आज मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन, उसका रेसिपी देखिए। 250 ग्राम चीनी, 100 ग्राम छेना, 100 ग्राम खोआ, 100 ग्राम मैदा, एक चम्मच छोटा चम्मच से सूजी, चौथाई चम्मच खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, और 4 इलायची का ये। अब मैं इसे चाशनी बनाऊंगी पहले, फिर इसको छेना को लेकर आराम से, घर में बनाया हुआ छेना है, इसको आराम से मिक्स कर। ये देखिए हमारा कितना सुंदर सॉफ्ट हो गया है ये छेना। अब इसमें मैं खोआ डालकर मिक्स कर दूंगी। इसके मिक्स करने के बाद फिर मैदा और खाने वाला सोडा भी डालूंगी। ये देखिए ये दोनों कितना बढ़िया मिक्स हो गया है और एकदम चिकना भी हो गया है। अब इसमें मैं मैदा, सूजी छोटा चम्मच से एक चम्मच, खाने वाला सोडा, इलायची, ये डाल के सभी एक साथ मिक्स करेंगे। छोटा छोटा लोई बनाकर मैं इसे तैयार करती हूँ। अब मैं चाशनी भी बना देती हूँ पहले। देखिए अब मैं चीनी की चाशनी बनाने जा रही हूँ। अब इसमें एक कटोरी चीनी दी 250 ग्राम, तो पतला थोड़ा चाशनी बनता है इसलिए 2 कटोरी पानी पड़ेगा इसमें। चाशनी थोड़ा पतला होना चाहिए। और मैं गैस पर चढ़ाने जा रही हूँ। ये देखिए मेरा कितना प्यारा सा डो बन गया है गोल, और अब मैं इसे गोल गोल गुलाब जामुन के लिए लोई काट कर पेड़े की तरह इसको तैयार करूंगी। देखिए खूब सुंदर सा एक लोई बन गया। अब दूसरा लोई को मैं तैयार कर रही हूँ। ऐसे सारी गोली बनाकर रख देंगे। तो देखिए मेरा एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। अब इसमें थोड़ा ठंडा भी हो गया है, 2 मिनट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं गोली भी बना कर रख दिया। और अब मैं रसगुल्ला छानने जा रही हूँ। गुलाब जामुन को अच्छे से छानूंगी मीडियम ताप में, ज्यादा तेज ताप में नहीं। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, और ये मेरा गुलाब जामुन तैयार हो गया। अब मैं इसे प्लेट में रखती हूँ। अब मैं दूसरा सब डालती हूँ, सभी गोलियों को थोड़ा थोड़ा करके तल लूंगी। ये देखिए कितना सुंदर बना है। अब मैं इसे चाशनी में डाल देती हूँ, ये फूल कर डबल हो जाएगा और खाने में बहुत स्वादिष्ट और अच्छा लगता है। ये देखिए मेरा रसगुल्ला एकदम बढ़िया तैयार हो गया है। काला जामुन एक घर का बना हुआ है, बहुत स्वादिष्ट और अच्छा लगता है। अगर मेरा वीडियो लाइक अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, और ये काट के भी देखिए कितना अंदर तक रस चला गया है, जरा सा भी नहीं। 10 मिनट में ये रसगुल्ला रेडी हो गया है। मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसका